खरीद को लेकर सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि गेहूं और सरसों की खरीद जारी है, बारिश की वजह से फसलों में नमी बढ़ी है और ज्यादा नमी होने की वजह से फसल खराब होने का खतरा भी बना रहता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हैफेड ने अब तक 28,000 मैट्रिक टन सरसों की खरीद की है। कहीं खरीद में कोई समस्या नहीं है, लगातार सरसों की खरीद हो रही है, गेहूं की खरीद हो रही है, लेकिन पैरामीटर्स को ध्यान रखना पड़ता है। वर्षा आई थी, उस वर्षा के कारण से मॉइस्चर ज़्यादा है, लेकिन मॉइस्चर वाला गेहूं या सरसों वो इसलिए नहीं खरीदी जाती कि बाद में स्टोरेज के बाद वो खराब होने के उसके भय बना रहता है। इसलिए उसके मॉइस्चर जैसे जैसे ठीक हो जाएगी, वैसे आज भी मंडियों में हमारे जो हैफेड है वो सरसों खरीद रहा है, लगभग 28,000 मीट्रिक टन ये सरसों हैफेड ने खरीदी है और आज लगभग कोई पिछले कल तक शाम तक 3,000 मीट्रिक टन ही सरसों बाकी थी जिसको सुखाने के बाद सब खरीद लिया जाएगा कि कहीं